जो उदयपुर ग्रामीण से विधायक हैं, ये हाड़ौती की पाग, मेवाड़ की पाग की तरह सम्मान और स्वाभिमान के साथ में हम सबका गौरव बढ़ा रही है। आदरणीय फूल सिंह जी का अभिनंदन। सर पधारें और हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम में आपका उद्बोधन। जय बोलो मीन भगवान की, जय बोलो मनीष महादेव की। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा यहाँ पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। मीणा समाज जिंदाबाद, आदिवासी समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। वास्तव में इस समाज को ऊपर उठाने के लिए जिसने भी कमान संभाली और आज वास्तव में जिस महापुरुष की जन्म जयंती के उपलक्ष में हमारे को सबको एकत्रित होने के लिए आज सबने यहाँ बुलाकर उस महापुरुष को याद करने का मौका मिला और मेरे को भी बहुत दिनों से आप लोगों का और इस महाविद्यालय के अंदर आने का पहली बार मौका मिला। वास्तव में सम्मानित यहाँ पर मंच अध्यक्ष जी और पूरे कार्यकारिणी, मेरे साथी विधायक भी यहाँ पर हैं और सामने विराजे हुए सभी एक से बढ़कर एक हमारे समाज के मुखिया, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं। वास्तव में हमारा समाज को शिक्षा की बहुत जरूरत है। भेरूलाल जी काला बादल जिन्होंने वास्तव में इस समाज को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया उनको हमारे को याद रखकर आज के दिन हमारे को एक प्रण लेना चाहिए कि हर वर्ष तो हम अच्छा हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहते हैं, मगर आज स्पेशल काला बादल जी का नाम से हम प्रण लेकर जाएं कि हमारा लिए, हमारा समाज के लिए कुछ और अच्छा करें। वास्तव में आज इस कोटा शहर के अंदर हमारा समाज के लिए जो ऐसा संस्थान चालू कराने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किया और जिन्होंने भी योगदान दिया उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान कर दे। वैसे तो सम्मान समारोह है, मगर मैं क्षमा चाहता हूँ पूरी मंच के अतिथि और सामने विराजे हुए देव तुल्य हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक गणों से कि वास्तव में उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संस्था को स्थापना करने के लिए सोचा और इस लेवल पर लाने के लिए प्रयास किया और जिन्होंने योगदान किया उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। और यहीं पर रुकना नहीं है, बिल्डिंग तो बन गई है मगर इसको चलाना और सतत इसको चलाते रहने का जो हमारा लक्ष्य लेकर चले हैं उसमें एक आदमी का काम नहीं है, हमारा सबका काम है। एक कहावत है कि एक जंगल के अंदर आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए पूरा गांव वाले सभी लग रहे थे, तो एक चिड़िया ने सोचा कि सभी ने ये जंगल में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं भी प्रयास करूं। और वो हुआ समुद्र में गई, चूंच में पानी भरा और जंगल के अंदर वो पानी को छोड़कर वापिस आ रही थी तो किसी ने पूछा कि चिड़िया रानी आप ये क्या कर रहे हो। बोला कि मैं जंगल के अंदर आग लग रही है उसको बुझाने का काम कर रही हूं। तो बोला आपके एक बूंद से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी, क्या बुझेगी या नहीं बुझेगी ये तो मुझे पता नहीं है, मगर मेरा इतिहास के अंदर आग लगाने वालों के अंदर नाम नहीं होगा, आग बुझाने वालों का नाम होगा, आग बुझाने वालों के अंदर नाम होगा। तो हमारे अंदर वास्तव में सभी हमारे सक्षम अधिकारी है, कर्मचारी है, उद्योगपति है, जनप्रतिनिधि है, वो तो योगदान कर रहे हैं, मगर गरीब से गरीब आदमी के पास भी हमारे को जाना चाहिए और उससे भी उनका अंशदान लेना चाहिए ताकि वो ये नहीं कहे कि ये संस्थान जो जय
मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय के अंदर मेरा योगदान नहीं है। वो ये कहे गर्व से कि मेरी संस्था है और मैंने भी इसके अंदर योगदान दिया है। जिसकी श्रद्धा है वैसा योगदान दे, मगर कोई वंचित न रहे। वैसे यहाँ पर हमारे सभी मंच पर एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी भी है, उद्योगपति भी है, जनप्रतिनिधि भी है, आईएएस आईपीएस अधिकारी जो रिटायर होने के बाद में भी अपने समाज को बढ़ाने के लिए जो वास्तव में उन्होंने प्रण लिया, उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए और आने वाला हमारा बच्चा हमारा बच्ची अच्छा अध्ययन करके अच्छी नौकरी या बिजनेस करे। नौकरी सबकी लगे जरूरी नहीं है, मगर इस संस्था से अगर वो धंधा बिजनेस भी करेगा तो कम से कम हमारी आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम होगा और यहाँ से अध्ययन करके जाएगा तो वो भी आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगा। यही कहकर मेरे को मैं क्षमा चाहता हूँ, पूरे दिन रहना चाहता था। आपके दर्शन करके मैं धन्य हूँ। मंच पर मेरे बड़े भाई भी है और मेरे साथी बंधु भी है, सामने हमारे से ज्यादा अनुभवी है। आप में यहाँ मंच से ज्यादा आपके अंदर अनुभव है, मगर समय और सीमा को देखते हुए मेरे को अर्जेंट में निकलना था। मैंने आरडी मीणा साहब से और इनसे पहले आग्रह किया था कि समय का थोड़ा सा मेरे पास में अभाव है, मगर मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा, मगर आऊंगा एक घंटे के लिए आऊंगा। 11 बजे से 12 बजे तक मैं रहूंगा और मैं निकल जाऊंगा। पारिवारिक कोई कार्यक्रम है और मेरे को जल्दी जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए आपके चरणों में नमन करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान रहे, ये मैं प्रार्थना कर मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।